हेलो वंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कंपटीशन के चलते विंग को वांग जी का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब वो उस टेम्पल के अंदर जाकर बार बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लंजा तुम कहाँ हो। रात होने लगी थी, थोड़ी दूरी पर बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वांग जी का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी वुइंग को कोर्टयार्ड के किनारे पर एक ब्लैक कलर का फिगर दिखाई देता है जिसके हाथ में एक ब्रॉन्ज मिरर था। वुइंग तुरंत अपनी स्वेबियन निकालता है और उसके पास जाने लगता है। स्वेबियन की आवाज़ से ही वो लेडी मुड़कर देखती है तो वो और कोई नहीं, चिंसू थी। वुइंग उसे कहता है, चिंसू तुम यहाँ क्या कर रही हो। चिंसू कहती है, मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन करती हूँ। चिंसू वुइंग को उस ब्रॉन्ज मिरर के थ्रू अंदर खींच लेती है और वो दोनों अचानक डार्कनेस में आ जाते हैं, एक कंप्लीट डार्कनेस। वुइंग कहता है, ये क्या है। चिंसू उससे कहती है, ये एरिना है इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में, इसमें अंदर कोई भी नहीं है, इस छोटे से स्पेस में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वुइंग कहता है, ये तो चीटिंग हुई ना, इस तरीके से तो तुम आउटसाइड गेम को मैनिपुलेट कर रही हो। चिंसू कहती है, हाँ टेक्निकली ये चीटिंग हुई, पर मैंने जब गेम में हुई ग्लिचेस के बारे में सुना तब मुझे ये निकालना पड़ा। वुइंग कहता है, क्या तुम्हारा सामना भी उस वियर्ड से फेस वाले बंदे से हुआ जो मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। चिंसू उससे कहती है, तुमने उसे देखा। वुइंग कहता है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था पर वो एक यूनिफॉर्म में था, उसके हाथ में तलवार थी, ऐसा लग रहा था कि वो गेम के बहाने कोई और ही मकसद से आया है। अब चिंसू तुरंत अपने पास से गेम का मैप निकालती है जिसमें सारे कॉम्पिटिटर्स मूव होते हुए दिख रहे थे। वुइंग वहाँ हाथ लगाने की कोशिश करता है जहाँ लांग वांगजी लिखा हुआ था, पर चिंसू उसका हाथ हटा देती है और उससे कहती है, अगर तुमने जो कहा वो सच है इसका मतलब गेम में ऑलरेडी काफ़ी सारी गड़बड़ हो चुकी है और ये गेम वैसा नहीं जाने वाला जैसा कि सोचा गया था। मैं आउटसाइड कई बार मैसेज ड्रॉप करने का ट्राई कर चुकी हूँ पर सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है। तभी अचानक पूरे एरिना में वार्निंग सुनाई देती है, टाइम आउट सिस्टम के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। चिंसू कहती है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो वुइंग को ब्रॉन्ज मिरर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है, वापस अंदर चले जाओ और अपना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। अब जब टाइम आउट सिस्टम भी ख़राब हो चुका है तो हम फंस गए हैं, हमें एंड गेम तक का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर चिंसू अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाकर वुइंग को पुश करती है और वुइंग वापस उस मिरर के थ्रू टेम्पल के अंदर आ जाता है। कुछ टाइम बाद काफ़ी सारे वोल्व्स वुइंग के पीछे पड़ गए थे, अंधेरे में वोल्व्स की केवल आंखें ही वुइंग को दिख रही थी, वो बस अपनी जान बचाकर जो भी डायरेक्शन उसे समझ आ रही थी वहीं भाग रहा था। भागते भागते अचानक कोई उससे टकराता है, वो उसकी तरफ देखता है तो वो वेनिंग था। वेनिंग उससे कहता है, थैंक गॉड तुम अभी भी यही हो कॉम्पिटिटर वे, क्या तुम्हारे पास कुछ एरोज़ हैं। वुइंग अपने एरोज़ निकालता है और उससे कहता है, तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसके बाद पॉइंट्स तो मुझे मिलेंगे ना। वेनिंग कहता है, कोई बात नहीं, किसी ने मेरे एरोज़ चुरा लिए। वुइंग कहता है, कहीं कोई अजीब सा दिखने वाला इंसान तो नहीं था ना। वेनिंग कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है, क्या ये गेम का ही कोई हिस्सा है। वुइंग कहता है, मैं भी यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहाँ एक पर्पल फ्लैश होती है और जिंगजा वहाँ पहुँच जाता है। जिंगजा वुइंग को देखकर कहता है, थैंक गॉड तुम यहाँ हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हुए जा रहा है। वुइंग एक लो वॉइस में कहता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और वो जिंगजा से पूछता है, पर वो कहाँ है, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। जिंगजा कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उसे गोइया स्टैचू के हॉल में देखा था। अब वो वोल्व्स उन सबको देखकर उनकी तरफ आने लगते हैं। वुइंग अपने सारे एरोज वेनिंग को दे देता है और अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए गोइया स्टैचू की तरफ जाने लगता है। वुइंग जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे वाइट कपड़ों में कुछ नज़र आता है जिसे फॉलो करते करते वो एक हॉल में पहुँच जाता है जहाँ काफ़ी सारे स्टैचूज थे। वुइंग वहाँ जाते ही कहता है, लंजा क्या ये तुम हो। तभी अचानक वो वाइट कपड़ा फ्लिकर करने लगता है और वैनिश हो जाता है। तभी वुइंग को अपनी स्किन पर मेटल का एक पतला सा तार फील होता है और एक डीप वॉइस उसके कान में कहती है, तुमने बस एक आवाज़ निकाली तो ये तार तुम्हारी गर्दन के स्लाइस कर देगा। वुइंग कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, कौन हो तुम। तभी अचानक उसके हेड पर कुछ भारी सा लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब वुइंग होश में आता है तो वो देखता है उसके हाथों को एक हेयर रिबन से बांध दिया गया था और वो वांग जी का ही हेयर रिबन था।
वो अजीब से फेस वाला फिगर फिर से उसके सामने आता है और उससे कहता है, तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई, ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश मत करना वरना ये रिबन की नॉट्स और भी ज़्यादा टाइट हो जाएंगी। वो यहीं गुस्से कहता है, तुम हो कौन और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो तुम ही होना जो इस गेम को आउटसाइड से भी मैनिपुलेट कर रहे हो। वो फिगर उससे कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? विंग कहता है, तुम ज़रूर कोई ना कोई कॉम्पिटिटर हो, तुमने हंगुन जुन के साथ क्या किया मुझे अभी के अभी बताओ। वो फिगर कहता है, तुमने अभी कहा ना कि मैं कोई कॉम्पिटिटर हो सकता हूँ, तो क्या पता मैं ही हंगुन जुन हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लान वांगजी नहीं हो सकता? विंग इस रिडिकुलस बात पर हंसने लगता है और उससे कहता है, रियली तुम्हें लगता है कि तुम लान वांगजी हो? वो कभी भी इस तरह लोगों से लड़ता नहीं है, उनके एरोज नहीं चुराता और इस तरह उन्हें बांधकर तो बिल्कुल नहीं रखता। तुमने ये सारे एफर्ट्स बस इसीलिए किए ताकि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सको और मैं ये सोचूं कि तुम हंगुन जुन हो। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर हंगुन जुन तुमसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा कल्टिवेटर है, वो ऑनरेबल है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो तुमसे कई गुना ज़्यादा हैंडसम है। मुझे नहीं पता कि इस मास्क के पीछे क्या चेहरा है, पर स्टिल मैं कह सकता हूँ कि वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। उसके सामने जो फिगर था उसे गुस्सा आने लगता है और वो मेटल कॉर्ड फिर से विंग के गर्दन पर रखते हुए कहता है, मुझे बस एक रीज़न दो कि मैं तुम्हें जान से ना मारूँ। विंग कहता है, तुम किसी भी कॉम्पिटिटर को जान से नहीं मार सकते, टाइम आउट सिस्टम ये अलाउ नहीं करता, और अगर तुम कैमराज में कैप्चर हो गए ना तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। अब वो फिगर कहता है, सारे कैमराज और टाइम आउट सिस्टम डाउन हो चुके हैं। बहुत दुख की बात है, लांग वांगजी कभी नहीं जान पाएगा कि तुम उसके बारे में क्या फील करते हो। विंग कहता है, कैमराज और टाइम आउट सिस्टम डाउन हो चुके हैं, पर तुमने कहा कि तुम आउटसाइड से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई मिला हुआ है ना? वो फिगर इस बात पर विंग से कुछ नहीं कहता, तो विंग कहता है, मुझे बस समझ नहीं आ रहा, आखिरकार तुम लोगों का टारगेट है कौन और क्यों है? तुम लोगों ने लास्ट कॉम्पिटिशन में जिनजुशन का एंटीडोट चुरा लिया, मेरे साथ लड़ाई की, वेंडिंग के एरोज चुरा लिए और अब मुझे टारगेट कर रहे हो। मुझे इतना समय क्यों लग गया ये जानने में कि जिस फिगर के साथ मैं लड़ रहा था उसकी तलवारबाजी टेक्निक्स बिल्कुल लान फैमिली की तलवारबाजी टेक्निक से मिलती हैं। अब मैं समझ सकता हूँ कि किसी लंजा से प्रॉब्लम है। सुशी, अच्छा होगा कि तुम अपना मास्क निकाल दो। अपने ही दोस्तों को अटैक करना और इसमें लंजा को फ्रेम करना, ये तुम्हारा प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी एक और उस रूम में डार्क फिगर विंग को अपीयर होता है जो गोइया स्टैचू के पीछे से आया था, और वो विंग से कहता है वो मास्क नहीं हटा सकता। वो गेम में किस तरीके से दिखेगा ये सिर्फ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। वो डार्क फिगर और कोई नहीं जिन गंगुआयो था। विंग उसे देखकर शॉक रह जाता है और उससे कहता है, तो तुम हो जो वो गेम में गड़बड़ी कर रहे हो, तुम अपने ही हाफ ब्रदर से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुमने लास्ट गेम में जिनजुशन का एंटीडोट चुरा लिया और उसकी विक्ट्री उसके हाथ से छीन ली, ऐसा क्यों किया तुमने? जिन गंगुआयो कहता है, तुम नहीं जानते, वैसे ये नेचुरल है क्योंकि तुम खुद कॉम्पिटिटर जांग की शेडो में रहते आए हो। वो हमेशा अपनी फैमिली में फेवरेट रहा है, उसे बेस्ट कोच, बेस्ट ट्रेनर्स मिले हैं और बेस्ट टीचर्स मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ तुम्हें हमेशा साइड में कर दिया गया और तुम्हें बार बार तुम्हारी जगह याद दिलाई गई। उइंग कहता है, तुमसे ये किसने कहा? मैंने जंगचा के साथ ही ट्रेनिंग ली है, मैं बस कॉम्पिटिशन्स में नहीं था। चिन गंगुआयो कहता है, और क्यों नहीं थे, क्या इस बारे में तुमने नहीं सोचा? क्योंकि मैडम यू को डर था कि कहीं उसके बेटे से ज़्यादा आगे वो लड़का ना निकल जाए जिसे उसने सड़क से उठाया था। मेरा वो फादर भी बिल्कुल ऐसा ही था, उसी की वजह से मेरी माँ की मौत हुई। विंग कहता है, तुम्हारी माँ की मौत ये एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं हो सकती ना कि तुम टाइम आउट फंक्शन को डिसेबल कर दो और हम सबको जान से मारने की कोशिश करो, ये किस तरीके का रिवेंज हुआ? जिन गंगुआयो कहता है, मैं कुछ भी करूँगा ना, कोई भी चीज़ उस इंसान को हर्ट तकलीफ नहीं पहुँचाएगी, सिर्फ एक इंसान है जो उसे हर्ट कर सकता है, वो है जिनजुशन। अगर मैं जिनजुशन को तकलीफ़ पहुँचाऊँगा तो जिन गुंगशा को तकलीफ़ पहुँचेगी। इन सारे कॉम्पिटिशन्स में तुम्हारी और कॉम्पिटिटर लान की राइवलरी मेरे लिए परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, हर किसी का ध्यान उसी पर जा रहा था और किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की कि कॉम्पिटिशन में जिनजुशन क्यों हमेशा बाहर हो जाता था। विंग कहता है, पर अभी भी ये बात जस्टिफाई नहीं करती कि तुमने टाइम आउट सिस्टम को टर्न ऑफ कर दिया, उसे तुमने क्यों टर्न ऑफ किया?
जिन गंगायु कहता है, मैं बहुत कह चुका हूँ वेवुष्यन, अब जब तुम इतना कुछ जान चुके हो तो तुम्हें ज़्यादा जीने का मौका तो नहीं मिलेगा। जिन गंगायु अचानक वहाँ से वैनिश हो जाता है और सुशे हॉल एंट्रेंस की तरफ वॉक करना शुरू कर देता है। वहीं गुस्से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? सुशे बाहर जाते जाते कहने लगता है, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ वांग जी का वो फेस देखने के लिए जब उसे रियलाइज़ होगा कि वो तुम्हें बचाने के लिए बहुत लेट हो चुका है। सुशी और जिन गंगायु वहाँ से गायब हो चुके थे। उन दोनों के जाते ही उस हॉल में जो बड़ा सा गुइया स्टैचू था वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो स्टैचू विंग से टच होने वाला होता है सब कुछ बदल जाता है। विंग अपनी आँखें खोल कर देखता है तो वहाँ वैनिंग, जेंगशा और जिन जुशिन पहुँच चुके थे और वो सब लोग मिलकर उस स्टैचू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। विंग जब जिन जुशिन को देखता है तो वो उससे कहता है, जिन जुशिन तुम डेंजर में हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। जिन जुशिन कहता है, मुझे कुछ नहीं करना बल्कि तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। वैनिंग उस स्टैचू को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाएगा, तुम्हें इस रिबन को तोड़ना होगा। मैं इस रिबन को काटने वाला हूँ। विंग अचानक से फ्रीज हो जाता है और उससे कहता है, नहीं, ये लंजा का रिबन है, मैं इसे नहीं काटने दूंगा। जिन जुशिन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम खुद को मरवाना चाहते हो एक रिबन की वजह से? विंग कहता है, पर ये लंजा का है, ये उसने मुझे प्रेजेंट दिया था। जिन जुशिन कहता है, तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो गया है। वो वैनिंग की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है वैनिंग अब उस स्टैचू को होल्ड नहीं कर पा रहा था। वो स्टैचू वैनिंग को धक्का दे देता है और अब वो स्टैचू जिन जुशिन की तरफ आने लगता है। इससे पहले कि वो स्टैचू कुछ कर पाता, ब्लू कलर की गुचिन स्ट्रिंग्स वहाँ शो होती हैं और वांग जी वहाँ एंटर करता है। विंग ने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल पहले कभी कुछ नहीं देखा था। एक सेकंड के लिए ये पूरी दुनिया उसके लिए कोई मैटर नहीं करती, वो बस अपने और वांग जी के बीच की दूरियाँ मिटा देना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और टाइम जैसे एक सेकंड के लिए रुक ही जाता है। वांग जी उसका नाम लेता है विंग। विंग गुस्से कहता है, लंजा, और वो तुरंत वांग जी की तरफ भागने लगता है और सडनली उन दोनों के बीच में अब कोई स्पेस नहीं रह जाता और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं। विंग वांग जी को इस तरह किस कर रहा था जैसे वो वांग जी के लंग्स से सारी एयर चुरा लेना चाहता हो। उस किस में डेस्परेशन थी, होपफुलनेस थी, फियर था और लव था। जब वो दोनों अलग होते हैं, वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं यही हूँ विंग। विंग तुरंत उसे कह देता है, आई लव यू लंजा। उसने मन में सोच लिया था अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी सारी बातें वांग जी से कह देगा। वो अपने फोरहेड को वांग जी के फोरहेड से लगाते हुए कहता है, मुझे पता है मैं ये सब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा इन चीज़ों से भागता रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, पर तुमसे थोड़ा दूर जाकर ही मुझे रियलाइज़ हो गया है कि इससे ज़्यादा बुरा हाल मेरा कभी नहीं हो सकता था। आई लव यू सो मच लंजा, प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना। वो वांग जी को गले लगाते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू, आई लव यू लंजा, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता, जब तक तुम मुझे चाहो मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे लिए रहूँगा। हर रोज़ मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार होता जाता है लंजा, और ये बात मुझे बहुत डराती है। वो वांग जी का हाथ अपने हाथों में लेता है और उस पर किस करते हुए कहता है, अब से हम दोनों की बाकी बची हुई ज़िंदगी में या इसके बाद जो ज़िंदगी होगी उसमें भी मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। वांग जी इस पूरे टाइम जैसे एक स्टैचू जैसा हो गया था। तभी सडनली उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मुस्कुराते हुए विंग से कहता है, आई लव यू टू विंग, मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, और तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। उस वक्त वांग जी विंग को किस कर लेना चाहता था, पर तभी जिन जुशिन कफ करने लगता है और उनसे कहता है, तुम दोनों टाइम और प्लेस तो देखो। विंग और वांग जी तुरंत एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग कहता है, हाँ लंजा, अब हम दोनों को मिलकर ये ख़त्म करना होगा। वांग जी भी उसके हाथों में हाथ देता है। अब वो सब लोग मिलकर उस स्टैचू पर हमला करते हैं। हर बार जब भी विंग सोचता है कि उन्होंने मैनेज कर लिया है और वो स्टैचू हार चुका है, पर वो फिर से फ्लिकर करता है और अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में वापस आ जाता है। तभी वैसांग कहता है, ये सब क्या हो रहा है, टाइम आउट सिस्टम भी ख़राब हो चुका है, मैं कब से टाइम आउट करना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्योंकि सिस्टम डाउन है, वो अजीब से चेहरे वाला इंसान, उसने ही मुझे ऐसा बताया।
वांगजी उससे पूछता है कौन सा इंसान वहीं, वहीं कहता है फनी स्टोरी है लंजा, पर अजीब यह है कि वो पर्सन तुम्हारे लान फैमिली की तलवारबाजी के बारे में बहुत कुछ जानता था। तभी अचानक वो गोल्डन गोइयन स्टैचू जेंगजा को कोर्ट यार्ड में फेंक देता है। जेंगजा कहता है तुम सब लोग कर क्या रहे हो, मेरी मदद करो इस अगली स्टैचू को हराने में। जिन जुशिन कुछ तालिस्मान्स उस स्टैचू के पास फेंकता है पर वो वैनिश हो जाते हैं। जेंगजा कहता है ये कोर्ट और स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई है, तुम इस पर जो भी फेंकोगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी वहींग अपनी फ्लूट निकालता है और फ्लूट प्ले करना शुरू कर देता है। वहींग थाउजेंड्स ऑफ स्टैचूज को वहाँ बुला लेता है, काफ़ी सारी कॉर्पसेस और स्पिरिट्स वहाँ पहुँच जाती हैं। वो उन सबको गोइयन स्टैचू के अगेंस्ट खड़ा कर देता है और एक एक करके उस स्टैचू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो स्टैचू एक ब्लो के साथ नीचे गिरता है और पूरे रूम में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वहींग फायर तालिस्मान का इस्तेमाल करके अपने आसपास अंधेरा दूर करता है तो वो देखता है स्टैचू जा चुका था, वो सारे मॉन्स्टर्स भी और टेम्पल भी बिल्कुल मिट चुका था। एक सडन एक्सप्लोजन होता है और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ दरवाज़ा खुलता है और सामने से नी मिंगजे और लान शिचैन वहाँ चले आ रहे थे। शिचैन कहता है वांगजी थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। वांगजी कहता है ब्रदर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें मेडिकल की ज़रूरत है। शिचैन हाँ में सिर हिलाता है और उसके पीछे डॉक्टर वैन के साथ उनकी पूरी टीम चली आ रही थी। वहींग उन सबको जिन घुंगाइयों और सुशे का सारा सच बताता है। सुशे ये बात एक्सेप्ट करने से मना करता है कि वो इस सब में शामिल था। वहीं जिन जुशिन कहता है कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही सस्पेक्ट था कि मैंग्याओ कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा। जिन जुशिन उन सारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ देखता है जो बहुत घायल हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। उसे बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही है। वो दुखी होते ही आगे जाने लगता है। वहींग इससे पहले कि कुछ कह पाता तभी वांगजी उसके पास आकर कहता है वहींग तुम हर्ट हुए हो। वहींग को गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उसने फ्लूट का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स स्पिरिट्स और स्टैचूज को मैनिपुलेट किया था। कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाने के बाद अब एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वहींग से पूछा जाता है कॉम्पिटिटर वे क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। वहींग कहता है मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, ये बात सच है कि मैंने इस बार गेम में मैनिपुलेशन किया है। मैंने फ्लूट का इस्तेमाल किया क्योंकि उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने गेम मास्टर जिन पर बहुत सीरियस एलिगेशंस भी लगाए। मैं श्योर हूँ कि जिन गंगवायो और सू मिंचा इसमें अपराधी हैं। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करें। तभी वो वांगजी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है मैं एक और बात अनाउंस करना चाहता हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव कल्टीवेशन से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगजी एकदम शॉक्ड रह जाता है। अब रिपोर्टर पूछता है आप स्टडी के साथ साथ अपने इस ब्रेक टाइम में और क्या करेंगे। वहीं कभी भी वांगजी की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है मुझे रियलाइज़ हुआ है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा था, अब मैं उनके साथ और भी ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही तुरंत वांगजी खड़ा होता है और वो रिपोर्टर के माइक को लेते हुए कहता है वहींग एक क्वेश्चन मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। वहींग कन्फ्यूज्ड होते हुए कहता है हाँ लंजा तुम क्या पूछना चाहते हो। वहींग कहता है तुम क्या करोगे अगर कोई थर्ड कॉम्पिटिटर भी अपना मेडल त्यागना चाहे तो। वहींग उससे कहता है एक कॉम्पिटिटर ऐसा क्यों करना चाहेगा। वांगजी कहता है क्योंकि मेरे लिए वो विक्ट्री विक्ट्री नहीं अगर उसमें तुम शामिल नहीं हो तो। सारे कैमराज अचानक से सिर्फ वहींग और वांगजी की तरफ ही हो जाते हैं और वांगजी सबके सामने वहींग से आई लव यू कह देता है। पूरे हॉल में उन दोनों के लिए तालियां बजने लगती हैं। जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है वो दोनों एक दूसरे को बाहर मिलते हैं और सीधा एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहींग उसके शोल्डर्स पर, उसके फेस पर, उसके चीक्स पर और उसके रिस्ट पर किस करते हुए कहता है लंजा तुमने इस तरीके की अनाउंसमेंट क्यों की। वांगजी उसे और भी टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना अगर तुम मेरी विक्ट्री में शामिल नहीं हो तो वो विक्ट्री मेरे लिए विक्ट्री नहीं है। पर तुमने जो अनाउंसमेंट की वहींग तुम गेम से ब्रेक लेना चाहते हो, क्या तुम इसे लेकर श्योर हो। वहींग उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है लंजा
इस वक्त मैं किसी चीज़ को भी लेकर श्योर नहीं हूँ। क्या पता नेक्स्ट वीक मैं पागल हो जाऊँ और गेम में वापस आ जाऊँ, एक्सीडेंटली फिर नाइट हंटिंग करने लग जाऊँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सही में पढ़ने लग जाऊँ और तुम्हें बुरी तरह टीस करूँ। पर एक चीज़ को लेकर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ और वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी इस बात पर सॉफ्टली एक्सहेल करता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, आई एम श्योर विंग, आई लव यू टू। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। अब ये फ़ैन फिक्शन भी हमारा ख़त्म होने जा रहा है। अब इसका लास्ट पार्ट और मैं शेयर करूंगी, फिर ये फैनफिक ख़त्म हो जाएगा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।